श्री गुरु नानक देव जी अपने एक सफर विच एक ऐसे नगर गए जिथों दे लोग बड़े चतर सन। कार व्यार बड़ा चंगा सी, लोकी मायाधारी सन। हुण मायाधारी हंकारी ना होवे यह गल हो नहीं सकती। ते हुंदा इह सी कि जिहड़ा कोई साध संत इस पिंड विच आवे उसका सत्कार नहीं सन करदे, रहन नूं थां नहीं सन देंदे, सगों तिरस्कार करते सन। गुरु जी भी उत्थे पहुंचे तो किसी ने सिर लुकाउण जोगा थां ना दिता, रोटी पानी तक किसने पुछना सी। आप जी बाहर जंगल विच ही एक दरखत दे थले बैठ गए। लोकी वेखण हैरान होण गुरु दा दर्शन करके। कुछ दे मन विच प्रेम भी उपजे के सेवा करिए, पर मन दी चतराई आखे चलो इथे खलो के समा ना गवाओ, की करना साधा कोल खड़ के जड़े रोटी भी नहीं कमा सकते। इसे नगर विच ना एक खत्री रहिंदा सी जिसनू लोग सोमा करके जानदे सन। आम लोग ते इथे बड़े चतर सन मायाधारी, पर सोमा सारे नगर विच घट अकलवाला जाणिया जांदा सी। ते अगे पिछे लोग इसनू बुद्धू क्या करदे सन, क्योंकि इसनू ना छल कपट बिल्कुल नहीं सी आउंदा। भावें कोई इसकी आत्म बुद्धि उच्ची ते नहीं सी, पर सहज सुभाव ही मन का सरल होने करके सच दे नेड़े नेड़े रहिंदा सी। इसते कोल धन कुछ प्यो दादे दा है सी, ते कुछ इसकी किस्मत भी चंगी सी, सो चार पैसे इसके कोल है गए सन। ये भी माया विच गलतान सी इसे करके। जिथे गुरु नानक देव जी बैठे सन ये अचानक उथे आ निकलिया। जदों कोलों लंघिया तां सतगुरु जी नूं तकिया, मन विच खिच जई पई। सतगुरु दा प्यार मन विच आया, प्यार नाल सीस नवा के आखन लगा, तुसी साधु हो, रात आ रही है, ठंड है, मीह पैण दी संभावना है, तुसी जंगल विच खुली थां बैठे हो, ठंड लगदी होवेगी, चलो मेरे घर रहो, रात नूं आराम करो, कुछ छक लो। माया मेरे पास बड़ी है, पर पता नहीं लगता बई इसनूं मैं सिर्फ सामना ही है कि इन्हें कुछ सुख भी देना है। अच्छा चलो आओ आपां रात रल के रहिंदे आ, नाले कुछ गल्लां बातां करांगे। गुरु जी इसदे बचन सुन के मुस्कुराए। की जानिए कि इसनूं किते माया दे इस मोह दे चिकड़ विचों कढ़न आए होण। जिवें कावां दे विचों अपनी बोली पा के कोयल अपने बच्चे नूं कढ़ लजांदी है ना, शायद इसे तरह गुरु ने इसनूं कढ़ना होवे। आप खुश होके उसदे नाल तुर पए। रात उसदे घर रहे। अमृत वेले मरदाने ने कीर्तन कीता, सोमे ते बहुत आश्चर्य प्रभाव पिया, माया मामूली दिसे। दिने गुरु नाल वार्तालाप होई। इस तरह कुछ दिन आप उथे टिके रहे। हुण गुरु दी संगत विच उसदे ख्याल बदलन लग पए। जीवन निरा पशुआं वांग खाण पीण जां कीड़ियां वांगू धाणे इकट्ठा करन जां पंछियां वांगू उडारियां मारदे रहन लई नहीं हैगा। इह गल समझ आ गई कि जीवन कोई कीमती शै है जिसका कोई उच्चा मकसद है। सो मैनूं समझ आ गई बई धन जोड़दियां प्यो दादा मर गए, हथ झाड़ के तुर गए, उन्हां दा धन मैं सांभ लिया, मैं खा रहा, हुण मेरे पास बथेरा है, ते मैं भी ते एक दिन इसे तरह छड़ के तुर जाना है। इस तरह दियां सोचां विच उस विच वैराग आ गया। गुरु ने उसनूं नामदान बख्शिया।
कीर्तन ते नाम विच लग के मत उज्जल हो गई। ओ जेड़ा जगत विच नगर विच बुद्धू समझा जांदा सी हुण ओ चतर हो गया। केड़ी चतराई पला बई होरना चतर लोकां वांगू वाहिगुरु नूं विसार के मौत नूं विसार के दिन रात माया इकट्ठी कर वल वक्त खर्च करन लई जां होर होर दे मगर भजन लई नहीं नहीं बल्कि उसने चतराई ए फुरी के मेरे पास माया बहुत है मैं सारी नूं सांह भी नहीं सकदा पर मेरे किन्ने सारे मेरे हमसाए बेचारे भुखे पए मरदे ने क्यों ना इस माया नूं मैं लोकां दा दुख दूर करन विच वरतां। जे वैद कोल दवाई होवे ते ना देवे तां वैद दोषी हुंदा है ते जे मेरे नेड़े थेड़े रहन वाला कोई भुखा नंगा होवे ते मैं रोटी कपड़ा ना दियां ते फिर ते मैं दोषी होया ना। ए फुरना गुरु दे शब्द ने बख्शिया नाले गुरु दे बख्शे नाम नाल मन टिकन लग पिया नाम विच स्वाद आउण लग पिया। एक दिन गुरु जी नूं आखण लगा सच्चे पातशाह मेरे कोल माया हैगी है लोक दुखी ने ए धन लोड़वंदां नूं वंडना दिया मेरे रोटी कपड़े लई थोड़ा जिहा ही बहुत है और सुख कोई मैनू चाहीदा नहीं। जो तुसी मैनू नाम धन बख्श दिता है ना उंदे करके आनंद हो गया है। नाम विच बहुत वड्डा जादू है पता नहीं तुसी की कीता है मोह विच फसे होए नूं कढ के मैनू माया दे मोह तों उत्ते चुक दिता जाए। गुरु जी आखन लगे भाई सोमिया सोच लै कच्चे वैराग विच आके ना धन दे ते बहीदा पर मगरों पछताईदा उस नालों ना देना चंगा। जे सचमुच वाहिगुरु दा नाम अमोलक दिसिया है ते तैनू लगदा है बई लैण नालों देण विच वधेरे सोखे तां भाई अकल नाल सियाणप नाल वंड। तू इस तरह कर अपने परिवार का प्रबंध कर दे ताकि कल नूं परिवार भुखा ना मरे। हां बाकी सारयां दी लोड़ मुताबक दुख दूर करन लई खर्ची जा इस तरह तेरा दान करना भी प्रवान होवेगा। हां आप वड्डा बन के जां दानी समझ के जां दाता बन के दान ना कर बल्कि परमेश्वर दा जान के ना दान कर। गुरु जी ने उसनु सच्चे प्रेम विच वाहिगुरु दे नाम विच ला दिता ते सचमुच दुनिया दी नजर विच ए बुद्धू सोमा माया दा त्यागी हो गया अते महान दानी होया। लोक भावें उसनु कदे बुद्धू कहिंदे सन ते हुण सिद्धा ही उसनु बुद्धू कहण लग पए ए सोच कै कि ये चंगा ज्यादा नूं आपदे घर लै गया सी हुण ते उसने अपना घर ही लुटा लिया सो भावें घर दे सारे ना खुश सन उस दे माया वंडण दी बिरती तो पर उसकी पक गई सुरती सगों ना डोली। वो सिर्फ घरों प्रशादा छके ते बाकी सारा समा सिमरन करन ते नेकी करन विच लाया करे। वाहिगुरु दा पाणा ऐसा वर्त्या कि कुछ महीनिया बाद उस दे बच्चे ते इस्त्री एक एक करके सारे चढ़ाई कर गए काल वास हो गए। हुण इकले बंदे लई ना जगत बड़ा दुखदाई हुंदा है पर सगों उसने समझिया बई ना शायद वाहिगुरु ने साई ने कृपा करके मैनू सारा जगत अपना समझण दे लई मैनू ये मौका दिता है। जो पदार्थ उसने अपने परिवार लई रखिया सी सगों हुण
आप वह सारा भी उसने खर्च दिता, सेवा विच ला दिता, ते आप सगों निमाणा जिहा हो के ना थोड़ी जिही माया कमाउण दे लई दिहाड़ी करन लग पिया। संत बिमला सिंह जी गुरु दा जस गाउंदियां अज गुरु दे एक पुगे हुए सिख भाई सोमे शाह दी वार्ता सुना रहे सन। सोमा शाह जिस दे मन विच वैराग पैदा हो गया, जेड़ा है ते सचमुच दा शाह सी, भाव लखां दा मालक सी, पर जिस वेले वैराग हिरदे विच पैदा होया तां जगत दा दुख वेख के गरीबां दी गरीबी दूर करन दे लई ते गरीबां नूं रोटी कपड़ा पहुंचाउण दे लई उसने अपना सारा तन खर्च दिता। ते मन विच विचारिया कि मेरी लोड़ ते सिर्फ दिहाड़ी दे चार टके ही है। सो उसने ये चार टके भी अपने कोल रखण दी बजाय रोज कमाउण दे लई मजदूरी करनी प्रारंभ कर दिती। चार टके रोज का अपना खर्च रख लिया ते मजदूरी दे चार टके ही लेने की थे। जिस किसी ने मजदूरी करवाउण लई आखना, भाई सोमे शाह ने कहना, भाई मैं ते चार टके ही लेने ने ते मजदूरी करनी है, ये चार टके मेरी चार घड़िया की मजदूरी का मुल है। हां इस तो वध तू भावें चार पैर मेरे को मजदूरी करवा लै पर मेरी मजदूरी चार टके ही रहेगी। शर्त जरूरी यह है कि जे तू चार टके मजदूरी मैनू लैके मेरे को कम करवाना चाहे तो हर हाल तेनों एक घड़ी बह के जानता वाहगुरु का जस मैं सुनावेगा, ते जे तेनों नहीं आता तो मेरे को सुनिया करेगा। यह अनोखी मजदूरी दुनिया विच ना चल पई। भला सिर्फ चार टके लैण वाला ईमानदार मजदूर दुनिया नूं कित्थों लभ सकदा सी। पर इस बहाने भाई सोमा शाह अपने सतसंग दे राह ते लोकां नूं पाउण लग पिया। आम लोकां ने उसनूं की हरी दा जस सुनाउणा सी, रोज उसे नूं ही सुनाउणा पवे ते उह समझे भई मेरे जीवन का मकसद कामयाब हो जाएगा। मैनू तो मजदूरी करद्या भी वाहगुरु का गुण गाउण का समा लभ जांदा है ते जेडे मैथों सुनदे ने उन्हां दी माया की नींद खुल जांदी ते अग्गा सौर जांदा है। चार टके लिया के आटा खरीदे, रोटी पकावे ते वह भी वंड के छक लवे। एक दिन किसी राजे दे वगारी बाकी मजदूरां विच उस नूं भी मल्लो मल्ली फड़ के लै गए। जां टिकाणे ते पुजे, मजदूरी मिली तां उसने चार टके लए ते बाकी मोड़ दिते। वगार पाउण वाले अफसर ने कहा, क्यों भई गुस्से है, तैनूं होर पैसे चाहिए ना? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਧ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਘੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਗੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि तुसी मजदूर तो मजदूरी का कम नहीं लिया, सगों वगार पाई है। इस करके मैं तेनों इनकार ते नहीं कर सकता कम करन तो, पर मैनू इस तो वध मजदूरी नहीं चाहिदी, परमेश्वर तेरा भला करे। अफसर सुन के हैरान रह गया, आखन लगा, ओए तू ते कोई खुदा दा फकीर है, मेरी खता माफ कर दे, मेरे नौकर ने भुल की थी कि तेरे वर्गे बंदे नु फड़ लिया आ। सोमे ने आख्या, नहीं मैं मजदूरी ते करनी ही सी,
ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਕੀਰੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਗਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਮਝੀਏ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ, ਨਾਲੇ ਦੋ ਦੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 14-15 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4% ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਆ ਪਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਕੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਘਰ ਅਪੜੇ। ਸੋਮਾ ਜੀ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਬਈ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, 60 ਸਾਲ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 10 ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਬਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਘ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਲੰਘੇ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਨਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ? ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਕਰਤਾਰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮ? ਤੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਗਿਣਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਵੀ ਅਗਣਤ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਬਈ, ਸਾਗਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ? ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਗੁਣ ਗਾ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਦਲੇ
थोड़ा चिर तैनू बैकुंठ मिलेगा। माड़े कर्मां दे बदले ढेर चिर दुख मिलणगे। सो उस हिसाब नाल तू उत्थे धर्मराज नू आखी पहलों बैकुंठ दे दिओ, भावें चार घड़ियां ही सही। उत्थे ना धर्मराज दा जोर नहीं चलदा, एक बार अंदर वड़ जाए बस फिर बाहर आउण दी लोड़ नहीं। पर जे हिसाब बेहिसाबी दा मेरे गुरु नानक ने, धन गुरु नानक ने जो बख्श दिता है, वो है कि सीधा साईं दी शरण पै जाइए, उस दे गुण गाउण विच लग पईए, उस दे प्यार विच जाग पईए, यह है उस दी शरण लैणी ते वाहिगुरु दे नाम नूं चंबड़ना। गुरु बाबे ने आसा राग विच गाया सी, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रत्ती ले पाए। जिवें एक रत्ती अग नाल सैकड़े मन लकड़ सड़ जांदी है, इसे तरह वाहिगुरु दे नाम द्वारा हजारा नहीं साढ़े लखा पाप सड़ जाते हैं। आखो धन गुरु नानक, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किते छुट्टी नाल। इस अफसर नू ना सचमुच इस दे मंदे कर्मा दा डर लग्या, ते इस डर ने वैराग ला दिता। हुण सगों वाहिगुरु दा प्रेम हिरदे विच वस पिया, तनो मनो सिमरन विच डुब पिया, ते सचमुच सतवें अठवें दिन चलाना कर गया। डुब्या होया गरीब तर निकलिया। गुरु ने कहा सी ना, जे को डूबै फिर होवै सार। अथवा सतगुरु ने कहा है, गुरमिल भौजल लंघी है दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान। भाई इस तरह ए मंदे कर्म करन वाला ए अफसर भी एक सिख दी संगत नाल वाहिगुरु दा नाम जपण करके बच गया, तर गया।